समथिंग डिफरेंट के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार समथिंग डिफरेंट में हमने कंपेयर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन और मैग्नेटोस्टैटिक्स की पढ़ाई की थी और वहाँ हमें ये अनुभव हुआ था कि अगर कंपेयर करके कंसेप्ट को पढ़ा जाए तो समझने में सहूलियत होती है और याद रखने में आसानी होती है। इस हिसाब से आज ऐसा ही मिलता जुलता कंसेप्ट रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, जिसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, लेकर के आए हैं। ऐसे लीनियर मोशन सभी कोई आसानी से डील कर पाते हैं, जहां रोटेशन की बात आती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ लिया जाए तो कितनी सहूलियत, कितनी आसानी के साथ हम चीज़ों को समझ भी सकते हैं और याद रखने में भी काफ़ी आसान तरीका हमको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से जैसे एक टेबल मैंने बना के रखा है, ध्यान रखेंगे, एक तो ट्रांसलेशनल का है, दूसरा रोटेशनल का है और उसके बाद से उसके बीच के रिलेशन। ओके, तो सबसे पहला क्वांटिटी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं आप ट्रांसलेशनल मोशन में एस से। जबकि अगर उसी से मिलता जुलता क्वांटिटी, एनालोगस क्वांटिटी की बात करें, उसके जैसा समान क्वांटिटी की बात करें, तो रोटेशनल मोशन में आपको मिलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप थीटा से डिनोट करते हैं। और थीटा इज इक्वल, थीटा और एस में रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू आर इंटू, सॉरी, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, जहाँ पर एस दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, आर जो है वो रेडियस होता है। ओके, चलिए इसके बाद दूसरे क्वांटिटी की बात करें, तो दूसरा क्वांटिटी यहाँ पर हमको वेलोसिटी मिलता है। और अगर वेलोसिटी का डेफिनेशन देखें, डिनोट तो वी से करते हैं, ये डी एस बाय डी टी होता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा और एंगुलर वेलोसिटी का नोटेशन जो होगा वो ओमेगा होगा और ये डी थीटा बाय डी टी होगा। अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें वी और आपको ओमेगा में, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जहां पर आर पोजीशन वेक्टर हम लोग मानते हैं। ओके, ये वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मिल गया आपको। तीसरा, अगर इसी तरह का क्वांटिटी आप देखें तो अगला क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट वो आपका एक्सीलरेशन, और ये ए से डिनोट करते हैं, इसको आपने डी वी बाय डी टी लिखा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हम अगर एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और ये डी ओमेगा बाय डी टी। देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर हमारे पास एस डिस्प्लेसमेंट है तो डी एस बाय डी टी वेलोसिटी हुआ, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डी थीटा बाय डी टी एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और अगर हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी लिखते हैं, ओके, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलेशन इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिख रहा है। और यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो आपको ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, और वेक्टर के फॉर्म में ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ओके, चलिए इसको फाइंड करने के बाद अब थोड़ी सी बात हम ये कर लें कि चौथा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमारे लिए मास होता है लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में हम मास को तवज्जो देते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एंगुलर ये में हमारे पास आ जाता है एक नया क्वांटिटी जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में एम आई भी लोग लिखते हैं। यहाँ पर इसको आई से डिनोट करते हैं, और अगर ये रिलेशन देखना चाहें तो आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। अगर सिंगल बॉडी की बात करें, मल्टीपल बॉडी है तब तो हम लोग उसको समेशन के फॉर्म में ले लेते हैं, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, अभी जो भी क्वांटिटी मिल रहे हैं यहाँ देखिए, एक डायरेक्शन को लेकर के बहुत इम्पॉर्टेंट डीलिंग हो जानी चाहिए। अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो वहाँ पर
वेक्टर नोटेशंस का उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। और वेक्टर नोटेशन का सिग्निफिकेंस क्यों नहीं रह जाता, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि वन डायमेंशन में दो ही तो पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं। एक को अगर हमने पॉजिटिव साइन असाइन कर दिया तो दूसरे को नेगेटिव साइन असाइन करके अपना काम कंफर्टेबली चला सकते हैं। रोटेशनल मोशन में भी है ना, जिस तरह से यहाँ वन डायमेंशन हमने लाइन फिक्स कर दिया, उसी तरह से वहाँ अगर एक्सिस फिक्स कर दें, ठीक है, आपको ये बता दें कि जिस तरह से लीनियर मोशन में डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वहाँ पर फिक्स एक्सिस की बात होती है जिसके अबाउट रोटेशन होता है। तो अगर आपने मान लीजिए कि इस एक्सिस को फिक्स कर लिया, तो फिक्स करने के बाद से अब जो रोटेशन होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव असाइन किया है तो एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव असाइन करके आसानी से वर्क कर सकते हैं, कहीं कोई डिफ़िकल्टी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए रोटेशनल में भी डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में जब डीलिंग की बात आती है तो हम लोग फिक्स एक्सिस के अबाउट ही बात करते हैं। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि जितने भी आपको रोटेशनल या एंगुलर क्वांटिटी हैं वो एक्सियल वेक्टर होते हैं। चलिए इसके डायरेक्शन के ऊपर अलग से एक बार चर्चा जोरदार होगी, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतने क्वांटिटीज़ हमको हाथ लग गए बिना किसी मेहनत के। अगर सिक्स क्वांट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लीनियर मोमेंटम या सीधे सीधी मोमेंटम की बात करते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं, ओके। और ये पी कितना होता है तो एम इंटू वी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मोमेंटम नहीं एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, जो कि आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है, आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप लिख क्या सकते हैं इस दोनों में रिलेशन, तो आपको L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा के बराबर होगा। और अगर वेक्टर में आपने लिख दिया तो ये R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, वेल बहुत बढ़िया। चलिए मोमेंटम तक आ गए, अब नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, वो भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, अरे उसके वजह से तो सारे मोशन का जनरेशन और स्टॉप भी होता है। ये फोर्स है और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आप लिखते हैं। यहाँ पर फोर्स के जगह पर एक नया क्वांटिटी होता है टॉर्क, मतलब जिस तरह का क्वांटिटी फोर्स लीनियर मोशन में रोल प्ले करेगा उसी तरह का सेम रोल टॉर्क प्ले करेगा रोटेशनल मोशन में, और इसीलिए इसको टाउ से डिनोट करते हैं। मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, और एक्सीलरेशन के जगह पर एंगुलर एक्सीलरेशन, ओके। अब इसमें भी रिलेशन की बात करें तो टाउ का रिलेशन अलग से डेराइव करके आपको बता दिया जाएगा, आर एफ साइन थीटा, और अगर आपने टाउ वेक्टर लिखा तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आपको लिखना होगा। एक बार ये टेबल पूरी तरह से आपका तैयार हो जाए तो आपको बड़ी सहूलियत होगी। अच्छा एक और मज़ेदार चीज़, अगर आपने फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन इसको डी पी बाय डी टी भी लिखे थे न्यूटन्स लॉ का डेफिनेशन से, तो यहाँ पर टॉर्क को, ठीक है, यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएशन किया लीनियर मोमेंटम का तो फोर्स मिला, तो टॉर्क ऑब्वियस है कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंगुलर मोमेंटम का तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। अभी आप बोलेंगे ये तो स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ है, ये भी अनऑफिशियली न्यूटन्स लॉ का ही स्टेटमेंट है या उसी का आउटकम है, उसी का आउटपुट है। तो देख लीजिए कितनी सिमिलरिटी आपको मिल रही है, ओके। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप बोलेंगे कि सर वहाँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता था, वेल वहाँ अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता था तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा,
वो कैसे होगा तो थोड़ा सा सोच के देखें, बस स्लाइट दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आपने वहाँ पर बोला था क्या कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड होगा, तो वैसे केस में आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या कभी कभी इसको मोमेंटम भी बोल देते हैं। तो अगर आप बोलते हो कि एफ अगर जीरो है तो ऑब्वियस है कि डी पी बाय डी टी, अभी देखा था आपने, इज इक्वल टू जीरो, यानी पी इज इक्वल टू है ना कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, यानी इसके हिसाब से पी इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट हो गया। ओके, अब यही चीज अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम वाले केस में है ना हमको फोर्स की बात नहीं करनी है, हम यहाँ पर टॉर्क की बात करेंगे। अगर टॉर्क जीरो है, मतलब अभी देखा आपने डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर डी एल बाई डी टी जीरो हो जाए तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट, और मालूम है कि तब डी बाई डी टी दोनों तरफ से हटा दें तो एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एक जगह फोर्स जीरो होने पे कंजर्वेशन होता है तो दूसरे जगह टॉर्क जीरो होने पे कंजर्वेशन होता है। इसके भी बहुत सारे आपने एप्लीकेशन पढ़े होंगे, गन बुलेट वाला प्रॉब्लम, मैन बोट वाला प्रॉब्लम, इसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे आपको एक तो बैलेट डांसर वाला केस आया होगा, ओके, और भी बहुत सारे केस यहाँ से डील किए होंगे, तो वो सभी एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, कंपेरिजन करके पढ़ लेंगे। रिलेशन एज सच यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ तक का देख लिया, अब आगे अगर हम बात करें, ठीक है, जो अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है तो वो होता है आपका वर्क का, ठीक है। तो वर्क अगर आपको निकालना है फोर्स का तो आप यहाँ पर F इंटू एस, ओके, W इज इक्वल टू एफ एस लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस। और यही अगर वेरिएबल फोर्स हो तो वेरिएबल फोर्स के केस में ये इंटीग्रेशन F dx या ds हो जाता है। यहाँ पर भी अगर वर्क की बात करें तो यहाँ वर्क जहाँ फोर्स था वहाँ तो है ना टॉर्क आएगा, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट था वहाँ पर थीटा आएगा। और अगर टॉर्क वेरिएबल है तो टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, और वर्क में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो होपफुली ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब जहाँ तक बात है एनर्जी है ना, तो यहाँ मोशन है, मोशन के कारण एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू, ओके, क्या होगा तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जब लिखने जाएंगे तो के इज इक्वल टू हाफ, मास के जगह पर क्या लिखेंगे, अभी तक लिखते आ रहे हैं, मास के जगह पर क्या लिखेंगे तो मास के जगह पर आई लिखेंगे, और वेलोसिटी के जगह पर उसका एनालोगस क्वांटिटी क्या होगा, ओमेगा होगा का स्क्वायर, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी हो गया। अभी 11th में हम इस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं, चर्चा क्या कर सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम, याद होगा वर्क के केस में पढ़ा था आपने, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इस केस में क्या होगा, तो इस आपने पढ़ा था वहाँ पर W इज इक्वल टू डेल्टा के, ओके, डेल्टा के मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, वी को वी एफ मान लीजिए, यू को इनिशियल वेलोसिटी वी आई मान लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम मिल जाएगा, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम सिमिलर होगा, सिमिलर होकर के क्या होगा आपको W इज इक्वल टू डेल्टा के, लेकिन यहाँ पर आप हाफ आई है ना ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा आई स्क्वायर लिखेंगे, सिमिलर चीज़ें मिल रही हैं। अब एक और क्वांटिटी देख लिया जाए,
ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद होगा पावर। पावर आपने यहाँ पर लिखा था पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। यहाँ भी आपको जो पावर होगा उसका एक्सप्रेशन यही होगा, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। लेकिन पावर का एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको और मिला था वर्क का पुट करके, तो ये आपको एफ इंटू भी आया था या एफ डॉट भी आया था। उसी तरह से यहाँ पर अगर बात करेंगे पावर, तो वो आपको फोर्स की जगह पर टॉर्क अगर वेक्टर देना चाहें, और डॉट भी के जगह पर ओमेगा वेक्टर आप दे सकते हैं। तो देख लीजिए एकदम सेम टू सेम क्वांटिटी, और पावर रोटेशनल का हो, वर्क रोटेशनल का हो या ट्रांसलेशनल का हो, दोनों में फ़र्क नहीं है। वर्क तो वर्क है, एनर्जी एनर्जी है, इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम में भी यहाँ कोई रिलेशन हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं। अब रह गई बात ट्रांसलेशनल मोशन में, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिले थे, जिसको आपने लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आपको जो रिलेशन यहाँ मिले वही रिलेशन रोटेशनल में भी मिलेंगे, बस नोटेशन चेंज हो जाएंगे और थोड़े से मीनिंग भी। तो जैसे v के जगह पर आप यहाँ ओमेगा, u के जगह पर ओमेगा आई, ए के जगह पर अल्फ़ा, और टाइम एंगुलर नहीं होता। मालूम है कि टाइम का कंपोनेंट हम लोग नहीं तोड़ते, और ये भी नहीं बोलते कि इतने डिग्री इस डायरेक्शन में, तो इस केस में टाइम तो टाइम रह जाएगा। एस के जगह पर यहाँ पर थीटा, ओके, यू के जगह पर ओमेगा आई इनिशियल इन टू टी प्लस हाफ, है ना, ए के जगह पर एंगुलर एक्सेलेरेशन और टाइम के जगह पर टी स्क्वायर। यहाँ पर भी उसी तरह से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस टू ए के जगह पर अल्फ़ा और एस के जगह पर थीटा। तो अगर आप इस तरह से कंपेयर करके इन दोनों को पढ़ लें, बहुत समय बच जाएगा, इक्वेशन भी बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे, अप्लाई भी आसानी से आप कर पाओगे।